नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं वीडियो में बनाने जा रही हूँ पल्लों वाला लहंगा। तो तीन पल्लों का लहंगा बनाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। और वीडियो पर बने रहें क्योंकि लहंगे की छटाई कैसे करते हैं वो भी बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं दो पल्ले कट कर रही हूँ, तीन पल्लों का लहंगा बनाना है हमें। तो मैंने डबल कपड़ा कर दिया है, एक पल्ला बाद में कट करेंगे। तो लहंगे की लंबाई हमें चाहिए 37 इंच, 37 इंच की लंबाई है। तो देखिए मैंने 37 इंच पर निशान लगा दिए हैं। और नीचे उलटने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो। कोई 2 इंच भी रखता है, कोई 3, कोई 4 और कोई 5-5 इंच तक उलटता है नीचे। तो मैं फिलहाल 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ यहाँ पर। तो जितनी हमारी लंबाई है उससे 3 इंच ज़्यादा कपड़ा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है, 41 इंच पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा इसलिए। तो देखिए दो पल्ले मैंने एक साथ कट कर लिए हैं। और ये दूसरा पल्ला है, तो हमें अब एक और पल्ला कट करना है। तो बचे हुए कपड़े को हम इस तरीके से रख देंगे। और फिर इसके ऊपर दूसरा वाला कपड़ा रख देंगे हम, क्योंकि उसी के बराबर कट करना है हमें। जो हमने कट किया था पहले पल्ला वो, तो अब इसके बराबर में हम कपड़े को कट कर देंगे। तो देखिए हमारे तीनों पल्ले कटकर तैयार हो गए हैं। अब जो ये कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम नेपे के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो नेपे की चौड़ाई 4 इंच रहेगी और कमर का माप के अनुसार ले सकते हो। कमर 40 की है तो मैं 40 इंच का ये लिया है कपड़ा। इसमें थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। एक इंच कम पड़ रहा था इसलिए। तो देखिए पल्लों को इस तरीके से जोड़ना है। पहला पल्ला ले लिया है, उसके ऊपर इस प्रकार दूसरा पल्ला रखना है और इस प्रकार सिलाई लगा देनी है। और फिर दूसरे पल्ले के ऊपर ये तीसरा वाला पल्ला रखना है और इस पर भी सिलाई लगा देनी है इस प्रकार। तो पहले हम तीनों पल्लों को जोड़ देंगे सिलाई लगा के। तो अभी मैं पल्लों को जोड़ दूंगी, फिर बाद में बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो देखिए मैंने तीनों पल्लों को जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद में हम इस पर नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि किसी के मतलब थोड़ा पेट हो आगे, तो उनके थोड़ा कपड़ा की छटाई करनी पड़ती है, मतलब आगे लटकता है लहंगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से जहाँ हमारा नेफा लगाते हैं, शुरू करते हैं लगाना, वहाँ से 1 इंच नीचे की ओर कपड़ा ऐसे तिरछाई में या तो कट कर लो या उस पर सिलाई लगा दो इस प्रकार। एक पल्ले पे पूरे नीचे से 1 इंच होना है और वहाँ से कोने से पकड़ कर लेना है। अभी आपको सिलाई लगाकर बताती हूँ इस प्रकार। देखिए तो इससे क्या होगा कि लहंगा नीचे लटकेगा नहीं और एक जैसा रहेगा। तो इस प्रकार देखिए मैंने पूरे पल्ले पर सिलाई लगा दी है। इसे ऐसे ही दूसरी तरफ भी लगा देंगे दोनों तरफ। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 4 इंच नीचे सिलाई लगा देनी है। यहाँ से हम चीन जोड़ेंगे इसलिए यहाँ पर खुला रहेगा ये भाग इसलिए। तो ये नेफा मैंने तैयार कर दिया है।
इसमें थोड़ा सा मैंने कपड़ा जोड़ा है क्योंकि ये 40 इंच में थोड़ा सा कम हो रहा था, 1 इंच, इसलिए मैंने 1.5 इंच इतना सा कपड़ा जोड़ दिया है। और इस पर 4 कट लगा देंगे, मतलब 4 निशान। इस नेपे को 4 बराबर भागों में बांट देंगे और इन पल्लों पर भी हम जहाँ नेपा लगा रहे हैं उस जगह पर 4 भागों में बांट देना है, मतलब निशान लगा देना है। और फिर इस प्रकार छोटी छोटी प्लेटें डालते हुए हमें लहंगा सिल देना है। तो आप अपने हिसाब से प्लेटें भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी प्लेटें डालते हैं, कोई छोटी छोटी, तो जैसे आपको पसंद है उस तरीके से आप प्लेटें डाल सकते हो। और फिर नेपे को इस प्रकार ऊपर उलटते हुए थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। देखिए इस प्रकार आप वीडियो में देख सकते हो। तो देखिए ऊपर से तो हमारा लहंगा बन चुका है, अब नीचे हमने जहाँ 4 इंच पर सिलाई लगाई थी उसके नीचे से हमें सिलाई शुरू करनी है। थोड़ा सा खुला रखना है वहाँ पर और फिर नीचे तक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार। और फिर जितना हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है, जैसे कि मैंने 3-3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था कपड़ा, उसको इस प्रकार फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो आप माप भी सकते हो कितना लेना है आपको। तो मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था तो 3 इंच ले रही हूँ। तो देखिए इस प्रकार नीचे भी सिलाई लग चुकी है। अब हम बना देंगे लहंगे के लिए नाड़ा। तो इसके लिए 2 इंच की मैंने चौड़ी लंबी पट्टी निकाली है और कमर से 10-15 इंच ज़्यादा लेनी है। और नाड़ा बन गया है हमारा। और देखिए इस प्रकार ये लहंगा बना है। तो देखिए कितनी आसानी से पल्लू वाला लहंगा बन जाता है। और अगर इसमें कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।